आदित्य रॉय कपूर संजना सांघी स्टारर फिल्म ओम द बैटल आज रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कपिल वर्मा ने, जबकि इस फिल्म को जी स्टूडियो के बैनर तले बनाया गया है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि आखिरकार कैसी बनी है फिल्म ओम द बैटल विदिन। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की कहानी एक सोल्जर की है। इस सोल्जर की एक मिशन के दौरान याददाश्त चली जाती है, बावजूद इसके कि वो सब कुछ भुला बैठा है, फिर भी उसे एक बात याद रहती है और वो बात होती है उसके पापा देव से रिलेटेड। जी हाँ, ओम के पापा जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन देव के माथे पर देश के साथ गद्दारी का टैग लगा हुआ है। अब ऐसे में एक आइडियल बेटे के तौर पर ओम सभी से लोहा ले लेता है। इतना ही नहीं, अपने पापा के माथे पर लगे इस टैग को हटाने के लिए अब ओम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ, ओम ये भी प्रूव कर देना चाहता है कि उसके पापा एट द बिगिनिंग से एक सच्चे देशभक्त हैं। फिल्म में दिखाए गए बाकी पहलुओं की बात करें तो आपको बता दें कि फिल्म का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, लेकिन कहानी एकदम फ्रेश और इंटरेस्टिंग है। फिल्म में कई जगह ऐसे जबरदस्त सीन्स देखने को मिलते हैं जो आपको पैसा वसूल वाली फीलिंग दिला देंगे। जी हाँ, फिल्म के अंदर एक्शन सीक्वेंस तो भर भर कर डाले ही गए हैं। इसके अलावा ओम द बैटल में रोमांस, थ्रिलर, इमोशन और सस्पेंस से लेकर वो सब देखने मिलेगा जो आप एक फिल्म के अंदर देखना और फील करना चाहते हैं। हालांकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब रोमांटिक हीरो आदित्य रॉय कपूर ब्रेव और बेहद जोशीले सोल्जर के किरदार में नजर आएंगे। फिर भी आदित्य ने अपने रोल के साथ पूरा जस्टिस किया है। एक्शन वाले अवतार में लोगों का दिल जीतने में सफल होते दिख रहे हैं एक्टर। वहीं फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो आपको बताएं कि फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के अपोजिट संजना सांघी ने भी फिल्म के अंदर कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। सांघी ने ओम की लेडी लव और एक ब्रेव लड़की का रोल प्ले किया है। संजना का ये अवतार पब्लिक को खूब पसंद आ रहा है। इसके अलावा फिल्म में जैकी श्रॉफ और बाकी सपोर्टिंग स्टार कास्ट ने बेहतरीन काम किया है जो सराहनीय है। कुल मिलाकर सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सेट सब कुछ सुपर से ऊपर है। इससे ज्यादा हम स्टोरी को डिस्क्लोज करके आपके मूड को स्पॉइल बिल्कुल नहीं करने वाले। सस्पेंस को बरकरार रखते हुए हम आपको यही कहेंगे कि आगे की कहानी आप थिएटर्स में जाकर ही देखें तो बेहतर होगा। तो हमारी तरफ से ओम द बैटल को 3 stars out of 5। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।